हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कॉपरनिकस ने किया था। दूसरा, जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादित करता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, सी में एक और दो दोनों, डी में ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका डिटेल जानेंगे। जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन आरंभिक खगोल शास्त्री क्लोडियस टॉलमी ने किया था, अतः कथन एक असत्य है। ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कॉपरनिकस ने किया था? नहीं, यहाँ तो कौन ने किया था? खगोल शास्त्रीय क्लोडियस टॉलमी ने किया था। ठीक। सेकंड पॉइंट, जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है ना कि सूर्य, अतः कथन दो भी असत्य है। यानी कि जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रतिपादित करता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, लेकिन नहीं, गलत है। जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है ना कि सूर्य, पृथ्वी है। ठीक। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण संकल्पना हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कॉपरनिकस द्वारा सन 1543 ईस्वी में किया गया। इनके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। किनके अनुसार? तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस के अनुसार 1543 में, लेकिन वो भी तो नहीं दिया। ठीक, इसीलिए आंसर डी होगा, दोनों गलत। सेकंड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित निम्न सिद्धांतों पर विचार कीजिए। सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटर, साम्यावस्था सिद्धांत, डॉक्टर एलन संडेज, दोलन सिद्धांत, थॉमस गोल्ड एवं हरमन वांडी। उपयुक्त युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेल है? ए में केवल एक, बी में केवल एक और दो, सी में केवल दो और तीन, डी में एक दो और तीन, यानी तीनों डी कह रहा। तो आंसर इसका होगा केवल एक, बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेंट व्याख्या करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था, अतः युग्म एक सही है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण का विशालकाय अग्निपिंड में अचानक विस्फोट के परिणाम स्वरूप पदार्थों के बिखराव के पश्चात उनके समूहन से हुआ है। बिग बैंग सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा,
इस संदर्भ में आकाश गंगाओं के मध्य बढ़ती दूरी को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में साम्यावस्था सिद्धांत थॉमसन गोल्ड एवं हरमन वांडी ने प्रतिपादित किया है कि जबकि दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने अतः युग्म दो और तीन गलत है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार का क्वेश्चन पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।